गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं कैसी ऑनलाइन जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पे आपको जो अर्निंग है वो पर आर के बेस पे मिलेगी, जितने घंटे आप वो करेंगे। और यहां पे जो अर्निंग है पर आर के, आप यहां पे 351 रुपीज से लेके 844 रुपीज तक अर्न कर सकते हो पर आर का, मतलब मंथली अर्निंग यहां पे आपकी बहुत अमेजिंग रहने वाली है। सबसे अच्छी बात गाइज, यहां पे जो कंपनी हायरिंग कर रही है, ये अलग अलग रोल्स के ऊपर हायरिंग कर रही है। इसमें एक रिक्रूटर का रोल भी है, लीड जनरेशन का रोल भी है, वर्चुअल असिस्टेंट का रोल भी है, सारे के सारे रोल वर्क फ्रॉम होम है। फ्रेशर एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर सिलेक्शन बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट मिलने वाले हैं, और आप अपने शेड्यूल के हिसाब से यहां पे काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं इस जॉब की पूरी डिटेल, एलिजिबिलिटी, अप्लाई करने का तरीका, सैलरी पैकेज सब कुछ समझाऊंगा। पूरा आप लोग ध्यान से समझना दोस्तों, और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे जॉब अपडेट के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये आप लोग जो मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो जो कंपनी यहाँ पे हायर कर रही है, कंपनी का नेम है हिकनिक्स। गाइज, ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, एंड अगर आप इनके लिंक्डइन पेज पे भी देखेंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल भी लिखी है। तो बेसिकली ये बिजनेस को सपोर्ट करने में, स्केल करने में हेल्प करती है, इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, रिक्रूटमेंट सर्विसेज, सेल्स सपोर्ट, क्लाइंट एंगेजमेंट, मार्केटिंग सपोर्ट, इस तरीके की। तो खैर, हम इनकी जॉब्स के ऊपर चलते हैं। देखो यार, ये कंपनी चार रोल्स के ऊपर हायर कर रही है गाइस। मैं पहले आपको चारों रोल्स की डिटेल बताता हूं, उसके बाद आपको जिसमें बेटर लगे आप अप्लाई कर सकते हो, और फिर अप्लाई करने का तरीका भी समझाऊंगा, वो समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जिन चार रोल्स के ऊपर कंपनी हायर करी, पहला रोल है एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर, दूसरा है लीड जनरेशन मैनेजर, तीसरा है लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट, एंड द लास्ट वन इज वर्चुअल असिस्टेंट। तो पहला रोल है गाइस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर। अब आप में से जो भी लोग रिक्रूटर या टैलेंट एक्विजिशन के डोमेन में जाना चाहते हैं, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपका काम है जो पोस्टिंग करना, न्यू स्ट्रेटजीज बनाना, इंटरव्यूज वगैरह लेने, सोर्सिंग करनी, वो सारा कोऑर्डिनेशन करना क्लाइंट्स के साथ, वो काम इसके अंदर आपका रहेगा। अब देखो, इसमें आपकी कम्युनिकेशन एकदम एक्सीलेंट चाहिए, आपके पास रिक्रूटमेंट का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है। एटीएस का नॉलेज आपको होना चाहिए, एटीएस मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके थ्रू कैंडिडेट्स ऑटोमेटिकली सोर्स हो जाते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी एक साल का, जिसमें एक्सटेंशन भी हो सकता है। कंपनसेशन आपको पर आवर के इसमें रुपीज मिलेंगे 351 रुपए से लेके 844 रुपीज तक, और इसमें देखो अगर फुल टाइम तक भी आप वर्क करते हो तो मंथली 30,000 से 70,000 तक आप यहां पे अर्न कर सकते हो। वर्क स्केड्यूल भी दिया है, मंडे से फ्राइडे काम करना है जी। टाइम जोन इन्होंने दे रखा है सुबह 8 से शाम के 5, और रात के 8:30 से सुबह के 5:30 बजे का टाइम इन्होंने दे रखा है। लोकेशन रिमोट है, मंथली इन्होंने ये भी दिया रेंज कहां कहां तक आप अर्न कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। तो ये सबसे पहला रोल है, और इसके लिए ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है। और देखो, अप्लाई करने का भी प्रोसेस बहुत आसान है, वैसे वन बाय वन में सारी जॉब्स का बता भी दूंगा। मैंने अप्लाई टू पोजीशन पे क्लिक किया तो ये फॉर्म खुल गया। आपको इसमें अपना फुल नेम भरना है, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भरना, एजुकेशन एक्सपीरियंस समरी, कवर लेटर, और सबमिट कर देना। सेकेंड जॉब आती है लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट। तो इसमें आपको कंपनी के लिए लीड जनरेट करना, मार्केटिंग का काम रहेगा, कैंपेन्स चलाने, वो काम इसके अंदर रहेगा। आपको कोलैबोरेशन वगैरह करने होंगे इसके अंदर। तो इसमें आपका कुछ ना कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सेल के अंदर, डेटा एंट्री के अंदर, कम्युनिकेशन बढ़िया होनी चाहिए, एमएस ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए। इसमें आपको जो पर आवर का पे मिलेगा वो 156 रुपए से लेके 187 रुपए तक मिलेगा। तो पर मंथ 25 से 30,000 आप यहां पे अर्न कर सकते हो। ये भी वर्क फ्रॉम होम ही है और ये भी बहुत अच्छी जॉब है। थर्ड वन इज वर्चुअल असिस्टेंट। ये जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, तो इसमें आपका काम है क्लाइंट्स के साथ एंगेजमेंट रखना, उनकी क्वेरीज को हैंडल करना, मीटिंग्स वगैरह अलाइन करनी, वो सारा इसके अंदर। ईमेल मैनेजमेंट हो गया, कैलेंडर मैनेजमेंट, वही सारे काम इसके अंदर रहते हैं, तो वो रहेगा सारा। इसमें जो अर्निंग है गाइस, आप यहाँ पे 125 रुपए से लेके 187 रुपए पर आर के अर्न करेंगे, तो 20 से 30,000 मंथली आप यहाँ पे अर्न करना। टाइम जोन वही है, या तो सुबह के 8 से शाम के 5, या रात के 8:30 बजे से सुबह के 5:30, तो दो शिफ्ट आपको मिलती है। इसमें से शायद एक चुननी है, वो अपने आप प्रोवाइड करेंगे। इन सभी रोल्स के लिए ग्रेजुएशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 12वीं पास, परसुइंग ग्रेजुएशन वाले नॉट एलिजिबल। काम करने के लिए सिस्टम होना चाहिए, इंग्लिश में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करें उसके लिए जो भी स्किल्स चाहिए वो स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। एंड अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल यहां पर भी सेम रहेगा। जैसे मैंने अप्लाई टू पोजिशन पे क्लिक किया गाइस, तो हमारे सामने ऐसा एक पेज आ गया। अब इसमें आपको वही फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक्सपीरियंस में अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, सपोज आपने किसी भी एक्सवाईजी कंपनी में काम किया, किसी भी एक्सवाईजी रोल के ऊपर, समरी में आप ये लिखोगे कि वहां पे एग्जैक्टली आप करते क्या थे। आप जितना अच्छे से यहां पे लिखोगे उतने चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के। सेम एज विद द एजुकेशन गाइज, एजुकेशन पे जाएंगे तो स्कूल में
आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखोगे, आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे कि आपने कहाँ से की और क्या एग्जैक्टली आपने वहां पे डिग्री की है, जैसे एमबीए इन मार्केटिंग एमएन फिनिश एग्जांपल के तौर पे समरी यहाँ पे भी लिखोगे कि क्या क्या सीखा आपने वहां पे, तो इस तरीके से आप कर दोगे। फिर एक्सपीरियंस समरी को थोड़ा डिटेल में लिख देना कवर लेटर में, आपको थोड़ा अपने बारे में लिखना है कि ये मेरा नाम है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है और मैंने आपकी इस ओपनिंग को यहाँ पे देखा है तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, मेरे में वो सारी स्किल्स है, मेरी प्रोफाइल को कंसीडर किया जाए, इस तरीके का एक कवर लेटर नोट बना के वो यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देना। बट ये ध्यान रखना भाई, ऐसा ना हो आप चैट जीपीटी से कॉपी करके डाल दो, वो उनको पता चल जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। तो गाइज ये थी वो जॉब अपडेट, एंड जब आप इस यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे उसके बाद आपने वेट करना है, तो पहले नंबर पे हो सकता है कि आपका कोई टेस्ट हो, टेस्ट के बाद हो सकता है आपका कोई स्क्रीनिंग राउंड, वो तो होता ही है, देन आफ्टर आपका वर्चुअल राउंड। सो गाइज बाकी अगर आप इसके इंटरव्यू की ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा, जहां पे मैं लोगों को इनवाइट करता हूं जो इन जैसी कंपनीज में सिलेक्ट होते हैं, वहां पे वो लाइव आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वहां से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। सो गाइज ये थी आज की जॉब अपडेट, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।